प्रणाम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भगवान विष्णु के वामन और श्री राम अवतार के बारे में जाना था। आज हम उनके परशुराम अवतार के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार इन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवांशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था, यानी सहस्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उसे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि अब जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और ना सिर्फ सहस्रबाहु का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। राधा रानी अथवा राधिका हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है। वह कृष्ण की प्रेमिका और संगनी के रूप में चित्रित की जाती है। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब बारी आती है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न यह है, ऋषि आपव ने सहस्रबाहु को क्या श्राप दिया? इसका जवाब आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में देना है। तब तक के लिए हरे कृष्णा।